हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल ओकुल में आप सभी का स्वागत है और जी हाँ यूपीएससी सी एस सी प्रिलिम्स ट्वेंटी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसको लेकर यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अभी अभी किया है ठीक है आप लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट है पोस्टपोनमेंट जो है वो कंफर्म हो चुका है जी हाँ दोस्तों पोस्टपोनमेंट जो है वो कंफर्म हो चुका है ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले भी इसी चैनल के थ्रू बताई थी कि पोस्टपोन जो है वो यूपीएससी ने जो इकतीस मई को एग्जाम होने वाला है वो कन्फर्म हो चुका है कि वो पोस्टपोन हो रहा है ठीक है ध्यान से देख लीजिए इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए ध्यान से समझ लीजिए एग्जाम जो है इकतीस मई का इकतीस मई को जो एग्जाम होना था इकतीस मई दो हजार बीस को प्रिलियम्स का वो अब इस डेट पे नहीं होगा ठीक है दोस्तों कंफर्म हो चुका है मैं फिर से कहूंगा पोस्टपोनमेंट जो है वो कंफर्म हो चुका है यूपीएससी द्वारा और इसके पीछे जो प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं यूपीएससी ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर चीज को जारी किया है और उस पर जो स्ट्रिक्ट जो बिल्कुल स्ट्रेट स्टेटमेंट यूपीएससी की तरफ से लिखा गया है वो ये लिखा गया है द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्टी फर्स्ट मे ट्वेंटी ट्वेंटी स्टैंड डिफर्ड ये वर्ड जो है यूपीएससी की साइट पे लिखे गए हैं होम पेज पे ये चीज लिखी गई है कि स्टैंड डिफर्ड ये डिफर्ड किया जा चुका है अब मेन बात यह आती है कि इसके एग्जाम की नई डेट्स क्या होंगी ठीक है तो इसको लेकर यूपीएससी ने यह बोला है कि जो फ्रेश डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो बताई जाएगी 20 मई को ठीक है यानी कि अभी से लेकर भी आप लोगों के पास लगभग 15 दिन का समय यूपीएससी ने और लिया है अभी कोई भी डेट नहीं बताई है ठीक है मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इधर उधर किसी भी चीज को लेकर कहीं भी और इंफॉर्मेशन को देखकर भ्रमित ना होइएगा परेशान ना होइएगा कि एग्जाम यहां होगा वहां होगा इस डेट को होगा उस डेट को होगा कोई मतलब नहीं है ठीक है यूपीएससी ने साफ बोला है कि बीस मई को सिचुएशंस को एसेस करने के बाद आफ्टर असेसिंग द सिचुएशंस 20 मई को डेट्स बताई जाएंगी कि प्रीलिम्स जो है वो कब होगा लेकिन फिलहाल ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि 31 मई 2020 को प्रीलिम्स नहीं होगा तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं और इसी तरीके से 20 तारीख को भी या उसके आसपास जब भी हमें कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब ये डेट्स हैं और कब ये आने वाला है एग्जाम कब होगा तो ये सबसे पहले आपको इसी चैनल पर हम बताएंगे ठीक है तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अब एक चीज़ है कि जब एग्ज़ाम अभी नहीं है ठीक है कब होगा ये अभी हम नहीं कह सकते लेकिन जब एग्जाम अभी नहीं है कुछ समय के लिए एग्जाम जरूर पोस्टपोन्ड हो रहा है एक महीने दो महीने हो सकता है तो मेन चीज़ क्या है ये है कि इस टाइम पर अब क्या आप लोग करें ठीक है स्ट्रेटेजी आप लोग किस तरीके से बनाए क्या स्ट्रैटेजी जो आप लोगों की चल रही है उसमें चेंज करें तो इसी को लेकर हमारी तरफ से ओकुल की तरफ से एक नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा बहुत जल्द दैट विल बी योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ठीक है यूपीएससी सी एस सी को लेकर ये स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है ये आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा क्योंकि अब जब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एग्जाम इज गोइंग टू बी पोस्टपोन एग्जाम इकतीस मई को नहीं हो रहा है वैसे ये चीज हमने आपको पहले ही बता दी थी आज से लगभग चार पांच छह दिन पहले ही बता दी थी लेकिन फिर भी अब ये ऑफिशियल हो चुका है यूपीएससी की तरफ से क्योंकि उस वीडियो पे हमें कुछ थोड़ा सा कमेंट्स इस तरीके के भी आ रहे थे कि लोगों को ये लग रहा था कि यूपीएससी ने कोई ऐसा ऑफिशियली नोटिफाई नहीं करा है हम लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक था ठीक है तो आज भी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं वो काफ़ी ज्यादा ऑथेंटिक है आप चाहे तो यूपीएससी की साइट पर जाके खुद चेक कर सकते हैं इस चीज़ को लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब ये जब ये आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज क्या होगा वो मैं आपको बहुत जल्द इस नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम बताएंगे ठीक है और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड वाला ये वीडियो है इसमें हर तरीके के स्टूडेंट के लिए हर तरीके के एस्पिरेंट के लिए चाहे वो पहला अटैम्प्ट दे रहा है चाहे वो लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है या वो कोई भी अटैम्प्ट दे रहा है ठीक है चाहे उसकी प्रीलिम्स की तैयारी कितनी हुई है मेंस की तैयारी कितनी हुई है ऑप्शन की तैयारी कितनी हुई है हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए हर तरीके के एस्पिरेंट्स के लिए इसमें स्ट्रेटेजी होगी वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी होगी कि किसको क्या पढ़ना चाहिए किसको क्या नहीं पढ़ना चाहिए कितना टाइम अपने फिल्म के लिए देना चाहिए कितना टाइम ऑप्शनल्स के लिए कितना टाइम मेन्स की जीएस के लिए ऐसे की तैयारी करनी है नहीं करनी है सी सैड पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी तो प्लीज़ फिर से कहूँगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि जैसी वीडियोज़ आए वो आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो और आज के लिए फिलहाल इन्फॉर्मेशन यही इंपॉर्टेंट है कि बीस मई तक हाँ आपको और हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा नई डेट्स के लिए लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इकतीस मई को जो पेपर है वो नहीं होने वाला है ठीक है तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के साथ तब तक के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए थैंक यू हैव नाइस डे बाय